हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। और दोस्तों, हम जो रेलवे के लिए बेस्ट 5000 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे, उसमें हमारा पार्ट नंबर 8 वीडियो है। और आज हम देखेंगे पहले द्रव्यमान और भार में अंतर, यानी कि मास एंड वेट। इसके बाद हम देखेंगे दूरी यानी कि विस्थापन, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनमें क्या अंतर है। उसके बाद हम देखेंगे गति और वेग यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी। और उसके बाद देखेंगे त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, संवेग मोमेंटम क्या होता है, आवेग इंपल्स क्या होता है, इन सब के बारे में हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं रेलवे के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन बोर्ड प्लेटफॉर्म का, वहां से आप जा सकते हैं, डेली मिनी टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा रेलवे भर्ती के बारे में बहुत सारी पीडीएफ्स हैं, हिंदी इंग्लिश वर्जन की, आपको वहां पर मिल जाएगी। तो वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक करें, और इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना रखा है कि किस प्रकार से आप टेस्ट दे सकते हैं, लाइव टेस्ट देकर आपको बताया है। तो जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, पहले हम देखेंगे द्रव्यमान और भार, ये चीजें क्या होती है। अब देखिए, मैं आपको इन चीजों को बताने के लिए यहां पर मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिएगा, तो मैं इनको यहां पर हटा देता हूं, इनको हम बाद में देख लेंगे। तो मेरे को सबसे पहले हम देखेंगे द्रव्यमान और भार में अंतर। तो देखिए, यहां पर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, सारे के सारे आज हम क्लियर कर लेंगे। और इसके जो भी क्वेश्चन है आज हम जो पढ़ेंगे, उस टॉपिक के क्वेश्चन जो भी आपके रेलवे में आए हुए हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी, आरएफएफ, एलपी टेक्नीशियन के लेटेस्ट एग्जाम में, वो हम क्वेश्चंस कल करेंगे। आज हम जो भी थ्योरी है, जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको यहां पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं कि द्रव्यमान होता क्या है। अब देखिए, द्रव्यमान क्या होता है, तो द्रव्यमान का मतलब होता है कि किसी भी आपका कोई वस्तु है, ठीक है, उसमें पदार्थ की मात्रा जो होती है ना, उसको हम बोलते हैं आपका द्रव्यमान यानी कि आपका मास, ठीक है। यानी कि आप एक प्रकार से बोल देखते हो, मीजरमेंट ऑफ आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसका मैटर, ठीक है, यानी कि आपके पदार्थ किस किस से मिलकर बना होता है, उनके पदार्थों का माप करना। जैसे आपको पता है, नॉर्मली आपका कोई भी एलिमेंट होता है, उसमें प्रोटोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, गांव में ना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, वो आपको दिख रहा है, लाइट चली गई थी इसलिए वीडियो बीच में पॉज हो गया। तो चलिए, अब हम कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। तो अब पहले हम देखते हैं द्रव्यमान और भार, इन दोनों में क्या होता है। तो देखिए, द्रव्यमान और भार में पहले हम देखेंगे द्रव्यमान और भार में क्या डिफरेंट होता है। तो देखिए, द्रव्यमान जो होता है ना, द्रव्यमान वो क्या होता है, किसी वस्तु में, किसी वस्तु जो होती है उसके अंदर आपकी जो पदार्थ की मात्रा होती है, उसको एक प्रकार से मेजरमेंट करना, कैलकुलेशन करना, वो आपके कहलाता है द्रव्यमान, ठीक है। यानी कि आपके कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपके मैटर होता है, मैटर यानी कि पदार्थ, उसकी मात्रा को मेजर करना, वो आपका कहलाता है द्रव्यमान। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, द्रव्यमान जो होता है उसको हम एक प्रकार से और समझ सकते हैं कि आपके द्रव्यमान में, यानी कि आपका कोई पदार्थ है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबकी कुल संख्या का द्रव्यमान, मतलब कुल संख्या का जोड़ेंगे तो उसे हम बोलेंगे उसका द्रव्यमान। लेकिन भार क्या होता है, भार का मतलब होता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण या गुरुत्वीय बल के कारण किसी वस्तु पर जो आपके जो बल लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं भार। यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला जो बल होता है, फोर्स होता है, उसे हम बोलते हैं। दोनों में क्या डिफरेंट होता है, उसके लिए मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। इधर मैं लिखूंगा द्रव्यमान के बारे में, मास के बारे में, और इधर मैं लिखूंगा आपका वेट के बारे में, दोनों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो मास होता है, मास वो आपके सदिश राशि होता है या अदिश राशि। तो आपके जो मास होता है वो आपके एक अदिश राशि होती है, मतलब स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि आपके अदिश राशि होती है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी होती है। जबकि आपका वेट होता है वो आपका एक सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि यानी कि आपके वेक्टर या आपकी होती है सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। पहला डिफरेंट तो ये। दूसरा, आपका जो फॉर्मूले की बात करते हैं कि द्रव्यमान होता है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो द्रव्यमान होता है, वैसे तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन हाँ एक प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, वैसे इसके कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। अब देखिए, बहुत सारे फॉर्मूले में एक आपका देखिए घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, वो आपका होता है, जो डेंसिटी होता है वो आपका होता है मास बटे वॉल्यूम, ठीक है, मास बटे वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। तो उससे हम ऐसे निकाल सकते हैं कि मास बराबर, ठीक है, आपका जो मास बराबर है डी इंटू वी हो जाएगा, मतलब आपके द्रव्यमान जो होगा वो यानी कि घनत्व यानी कि डेंसिटी और आपका जो वॉल्यूम है यानी कि आयतन, इसके गुणा के बराबर हो जाएगा। एक तरीका तो ये इसको निकालने का। दूसरा देखिए, आप इससे भी निकाल सकते हैं, देखिए एफ बराबर एम ए, तो इससे भी आप जो एम है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एम बराबर एफ अपॉन ए, यहां से हम निकाल सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो आपका निकाला जाता है वो इस वाले फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपका
एम है यानी कि मास का आपका जो वैल्यू है उसको। इसके अलावा बात करते हैं वेट की, तो वेट क्या होता है, देखिए ये होता है डब्ल्यू बराबर एम जी। क्या होता है डब्ल्यू बराबर एम जी, यानी कि आपका मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए एम बराबर क्या हो जाएगा, मास यानी कि आपका द्रव्यमान, ठीक है, और आपका जो दूसरा है यहाँ पर जी है वो आपका है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण है ना, इसकी वैल्यू आप जानते हैं कि अगर पृथ्वी के सरफेस से बात करें तो इसकी वैल्यू होती है आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या आप इसको कंसीडर 10 भी कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, देखिए यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके रेलवे भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं इस फॉर्मूला के आधार पर। कैसे, देखिए इससे आपका पहला प्रश्न तो यही बनता है कि आपका जो, देखिए आपका जो यहाँ से आप एक चीज मान सकते हैं कि जो मास है ना, मास वो कभी भी आपके चेंज नहीं होता, यानी कि आप पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर जाओ, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाओ, दूसरे ग्रह पर चल जाओगे, तब भी आपका जो मास है वो कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन आपकी जो W है यानी कि आपका वेट, वो डिपेंड करता है G के ऊपर, यानी कि आपका गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर। इसलिए जैसे जैसे आपका G का मान बदलेगा वैसे वैसे आपका जो W है यानी कि वेट है इसका मान बदलेगा। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपसे पूछ लेगा कि किसी वस्तु का आपका जो भार है ना, अगर चंद आपका पृथ्वी पर, मान लीजिए पृथ्वी पर आपको दे रखा है किसी वस्तु पर, किसी वस्तु का आपका पृथ्वी पर जो भार है, मान लीजिए आपको दिया है कि 60 न्यूटन है, तो बताइए चंद्रमा पर कितना होगा, मून पर कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी से जैसे हम चंद्रमा पर जाते हैं तो वहां पर ग्रेविटी हो जाती है ना पृथ्वी की 1/6 हो जाती है, इसलिए जो आपका वेट होगा वो भी 60/6 यानी कि 10 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि आपका W होता है इसका मान, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको करवाऊंगा अभी, ये जो क्वेश्चन है ना ये यहाँ पर बताया गया है और पूछते बताइए द्रव्यमान और भार के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो वहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका द्रव्यमान होता है, मास होता है, कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन आपका जो वेट होता है, भार होता है, वो आपके चेंज होता है, उसका मान आपके डिपेंड करता है, वेरी करता है किसके ऊपर, जी के ऊपर, ठीक है। तीसरा डिफरेंट की बात करते हैं, ठीक है, तीसरे डिफरेंट की बात करते हैं इनके ऊपर। तो देखिए तीसरा डिफरेंट ये कि जो मास होती है उसकी जो यूनिट होती है, ठीक है, मास की यूनिट वो आपकी होती है किलोग्राम, ठीक है, जो मास आपकी जो यूनिट होती है इसकी वो आती है किलोग्राम। लेकिन अगर वेट की बात करते हैं इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका न्यूटन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपका होता है न्यूटन। आपका जो वेट होता है उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले डिफरेंट की, आपका डिफरेंट नंबर 4, देखिए आपका जो मास है ना, मास कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। किसी वस्तु का मास है वो यहाँ पर 0 नहीं होता है, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन वेट होता है वो आपके 0 हो सकता है ना। हम ये मानते हैं किसी कोई वस्तु है ना उसके अंदर आपका मास 0 पॉसिबल है ही नहीं। कोई वस्तु होती है ना, है ना, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका कोई पदार्थ होता है ना उसके अंदर दो प्रॉपर्टी हमेशा होती है। कोई भी आपका ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर दो प्रॉपर्टी हमेशा होती है, पहला उसके अंदर कुछ न कुछ आपका मास होता है, और दूसरा वह कुछ न कुछ आपका सरफेस लेती है, मतलब कुछ स्थान घेरती है। ये आपके पदार्थ के क्या होते हैं, गुण होते हैं, मूलभूत दो गुण होते हैं। तो ध्यान रखना है कि मास होता है ना कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता, लेकिन आपका जो वेट है वो 0 हो सकता है। आप कहेंगे कैसे 0 हो सकता है, तो देखिए अंतरिक्ष में स्पेस के अंदर जब जाते हैं तो वहां पर ग्रेविटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब ग्रेविटी का मान 0 हो जाएगा तो आप जानते हैं W बराबर होता है mg, क्या होता है W बराबर mg। जब g का मान अगर 0 हो गया तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर W का मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका W का मान 0 हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन m का मान कभी भी 0। अंतर है वो यहां पर ये है कि जो आपकी द्रव्यमान होता है वो आपकी मूल राशियां होती है। आपको बताया था कि मूल राशियों की संख्या होती है 7, यानी कि आपकी फंडामेंटल आपकी यूनिट्स होती हैं, उनमें से आपके आपका जो मास होता है वो भी उनमें आपको ध्यान रखना है कि फंडामेंटल आपका यूनिट्स में होता है, ठीक है, यानी कि आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं उनके अंदर आपका द्रव्यमान आता है, यानी कि मूलभूत इकाइयां होती हैं उनके अंदर द्रव्यमान आता है। लेकिन जो वेट होता है, भार होता है, वो आपके डेराइव्ड यानी कि आपके व्युत्पन्न इकाई होती है उनके अंदर आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट अंतर आपको एक ध्यान रखनी है कि जो भार होता है उसका मान अधिकतम होता है पोल्स के अंदर ध्रुवों पर, ठीक है, आपका जो भार होता है ना यानी कि आपका वेट उसका मान अधिकतम होता है ध्रुवों पर, लेकिन आपका मास होता है, द्रव्यमान होता है वो आपका फिक्स होता है, वो आपके चेंज नहीं होता। तो ये आपके द्रव्यमान और भार के बारे में आपकी चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखना है द्रव्यमान और भार के बारे में कि द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है।
एक क्वेश्चन और आपको ध्यान रखना है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां पर देखिए द्रव्यमान जो होता है ना वो आपका जड़त्व का माप भी होता है। क्या होता है? जड़त्व का मापन, यानी कि मेजरमेंट ऑफ आपका इनर्शिया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपके पिछले साल के पेपर में आया गया है कि किसी वस्तु के जड़त्व का माप क्या कहलाती है। तो किसी वस्तु के जड़त्व का माप कहलाता है द्रव्यमान, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके बारे में। यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसको नोट करना चाहते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, कॉमेंट आते हैं सर आप थोड़ा साइड हो जाएगी, तो मैं थोड़ा साइड में हो गया हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा, यानी कि आपका दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंट है। फिर हम देखेंगे आपका जो स्पीड एंड वेलोसिटी, उनके बीच में डिफरेंट देखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपने उतार लिया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद में आगे जो आपका है उसको हम देखते हैं, दूरी और विस्थापन, यानी कि दोनों में क्या डिफरेंट है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर अब हम देखेंगे दूरी और विस्थापन दोनों में क्या डिफरेंट है, दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होती है। तो एक तरफ ले लेता हूं दूरी, ठीक है, और एक तरफ मैंने लिख दिया आपका विस्थापन, ये आपको ध्यान रखना है। ये दूरी और ये आपका विस्थापन, यानी कि ये आपकी है डिस्टेंस और इधर मैंने लिख दिया आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये मैंने लिख दिया। अब देखिए दोनों के बीच वही हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। देखिए पहली बात तो ये कि जो दूरी होती है ना, दूरी वो क्या होती है और आपका विस्थापन होता है वो क्या होता है। तो देखिए इसको हम बात करेंगे, मान लीजिए आपकी कोई कार है, कोई बाइक है, कोई व्यक्ति है, वो चल रहा है रनिंग मोमेंट में है। अब मान लीजिए यहां से वो चलना शुरू किया, फिर वो यहां पे पहुंचा, फिर वो यहां पर पहुंचा, फिर वो यहां पर पहुंचा, मान लीजिए ए बी सी और डी। ठीक है, इनकी मान लेते हैं ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है। ओके, अब देखिए यहां पर बात करते हैं कि दूरी क्या होती है। तो दूरी का मतलब होता है कि कोई वस्तु ने आपके जो तय की गई दूरी होती है ना वो क्या होती है कि जहां से उसने आपके चलना शुरू किया और जहां पर उसका खत्म हुआ उसके पथ की जो कुल लंबाई होती है उसे हम बोलते हैं आपकी दूरी, यानी कि डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस क्या होती है, उसके पथ की लंबाई, यानी कि लेंथ ऑफ आपका पथ। ठीक है, यानी कि जिस रास्ते पर वो चला है उसकी जो कुल आपकी लंबाई है उसे हम बोलते हैं क्या, आपकी दूरी। यानी अगर दूरी की बात करें इस एग्जाम्पल के माध्यम से तो दूरी हो जाएगी देखिए ए बी सी डी टोटल 10 + 5 + 5 यानी कि 25 मीटर। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं विस्थापन की, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आपके प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच न्यूनतम दूरी, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन आपका जो इनिशियल पॉइंट है और लास्ट पॉइंट, यानी कि शुरुआती बिंदु और आपका लास्ट पॉइंट है उसके बीच जो मिनिमम डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट। यानी कि देखिए ये वस्तु ने यहां से ना शुरू किया था, यहां पर खत्म हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी कहलाती है डिस्प्लेसमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखिए यहां से अगर देखते हैं तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी दूरी है वह आपकी 25 आई है और विस्थापन 5 आया, जबकि वस्तु आपके एक वस्तु ने सेम गति की है एक सेम रास्ते में। तो आपको देखिए क्या चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो दूरी होती है ना वो क्या होती है, जिस पथ पर वो चला है उस पथ की जो लंबाई होती है उसे हम दूरी बोलते हैं, और विस्थापन क्या होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच जो मिनिमम दूरी होती है उसे हम बोलते हैं विस्थापन। अब देखिए दूसरी बात करते हैं कि सर दूरी और विस्थापन में से बड़ा कौन हो सकता है। तो देखिए दूरी होती है ना वैसे दोनों बराबर भी हो सकते हैं, एक दूसरे से कम ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपकी जो दूरी है ना हमेशा दूरी जो होगी यानी कि डिस्टेंस जो होगी दूरी वो हमेशा या तो आपके बराबर बड़ी होगी या छोटी होगी विस्थापन से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपका जो डिस्टेंस है ना डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस आपके ग्रेटर और इक्वल आपके डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आपके पता है दूरी तो आपके बड़ी होती है भाई, यहां से लेकर यहां तक की टोटल दूरी है, दूरी होती है ये लेंथ होती है जो, लेकिन विस्थापन क्या होता है मिनिमम डिस्टेंस। तो सीधी सी बात है दूरी हमेशा बड़ी होगी या इक्वल भी होगी, इक्वल भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। देखिए बड़ी तो आपने देख लिया कि दूरी यहां पर बड़ी ऐसे होगी, इक्वल कब होगी, मान लीजिए एक व्यक्ति है उसने यहां से चलना शुरू किया ए पॉइंट से और यहां जाके रुक गया बी पॉइंट पर और इनके बीच की दूरी 5 मीटर है, तो देखिए यहां पर दूरी भी 5 मीटर होगी और आपका जो विस्थापन है वो भी 5 मीटर होगा, मतलब आपका डिस्टेंस भी 5 मीटर है और आपका विस्थापन भी 5 मीटर है डिस्प्लेसमेंट। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है दूसरी बात कि दूरी और विस्थापन में ये रिलेशन है कि दूरी है वो या तो बराबर होगी या बड़ी होगी हमेशा इससे।
तीसरा डिफरेंट हम देखते हैं कि आपकी जो दूरी होती है ना, दूरी वो आपके एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि आपका अदिश राशि होती है, ठीक है, अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर बात करते हैं विस्थापन की, तो विस्थापन आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है यानी कि आपकी सदिश राशि होती है। सदिश और अदिश क्या होती है हम पहले ही बता चुके हैं, फिर मैं आपको बता दूं कि ऐसी राशियां जिनको मापने के लिए दिशा और आपके डायरेक्शन यानी कि आपके दिशा और आपका परिमाण दोनों की जरूरत पड़ती है। आपका डिस्टेंस वो आपके आपके दोनों की मतलब आपके तो एक डायरेक्शन की प्लस आपके मैग्नीट्यूड मतलब दोनों की दिशा और आपका विस्थापन दिशा और आपका परिणाम होता है, एक बोल सकते हैं उसका जो मापन होता है दोनों की जरूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं आपकी सदिश राशि। लेकिन ऐसी राशि जिनको मापने के लिए सिर्फ परिमाण की जरूरत पड़ती है दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ती है उसे हम बोलते हैं अदिश राशि। तो आपको ध्यान रखना दूरी होती है वो आपकी अदिश राशि होती है लेकिन जो विस्थापन होता है वो आपके सदिश राशि होती है। इसके बाद बात करते हैं तीसरी कि यहां पर दोनों की वैल्यू पे क्या डिफरेंट पड़ सकता है, क्या दोनों जीरो हो सकते हैं या नहीं हो सकते। देखिए अगर किसी वस्तु ने आपके कोई भी दूरी तय की है मतलब अगर कोई वस्तु है वो रनिंग मूवमेंट में है, अगर उसने कोई आपके मान लीजिए कोई दूरी तय की है उसने कोई आपके निश्चित दूरी तय की है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है उसकी जो डिस्टेंस है कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, डिस्टेंस जब भी जीरो हो सकती जब वस्तु ने गति ही नहीं करी हो। लेकिन अगर वस्तु ने गति की है, ठीक है, कुछ भी चली है तो ध्यान रखना है कि उसकी डिस्टेंस जो है कभी भी जीरो नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो विस्थापन है विस्थापन का मान जीरो हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी जीरो, ठीक है, ये आपका जीरो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसको समझाने के लिए मैं आपको यहां पर समझाता हूं, देखिए कि जीरो किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। देखिए जीरो किस प्रकार से विस्थापन हो सकता है, मान लीजिए कि एक आपकी वस्तु थी उसने यहां से चलना शुरू किया, ठीक है, और यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, यहां से यहां और वापस इसी बिंदु पर आ गई, ठीक है, यानी कि ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट, मान लीजिए 10 है ये 5 है ये 10 है 5 है। तो देखिए यहां पर अगर बात करते हैं डिस्टेंस की यानी कि आपके दूरी की तो 10 + 5 + 10 + 5 यानी कि आपका 30 मीटर हो गया 30 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन क्या हो जाएगा, इस बिंदु से और अंतिम बिंदु भी यही है प्रारंभिक बिंदु भी यही है तो इनके बीच दूरी तो क्या हो जाएगी जीरो, यानी कि इनके बीच जो लंबाई है वो आपकी हो जाएगी जीरो। इसलिए ध्यान रखना है डिस्प्लेसमेंट का मान जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस का मान जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस का मान जीरो तभी होगा जब वस्तु ने कोई गति आपके चली नहीं है, लेकिन अगर वस्तु चली है तो उसकी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहां पर एक न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, उनके बारे में। अब देखिए न्यूमेरिकल आता है जब कोई वस्तु आपके किसी सर्किल में चक्कर लगाती है, इसके क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। देखिए कोई वस्तु अगर किसी सर्किल में चक्कर लगाती है किसी सर्किल में राउंड करती है तो यहां पर इसके क्वेश्चंस कई बार आते हैं, ये आपको ध्यान रखना। देखिए मान लेते हैं कि ये आपकी कोई वस्तु है और इसकी जो रेडियस है वो मैं मान लेता हूँ कैपिटल आर, ठीक है। अब देखिए कैपिटल आर इसकी है, मान लीजिए इस वस्तु ने यहां से चलना शुरू किया ए पॉइंट से और मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया और मान लीजिए इसने पहले हम इजी क्वेश्चंस करते हैं फिर थोड़े एडवांस कर लेंगे। देखिए मान लीजिए आपको दे कि इसने दो चक्कर पूरे कर लिए, ठीक है, दो राउंड कंप्लीट कर लिए, एक राउंड कंप्लीट कर लिया, पांच राउंड कंप्लीट कर लिए, तो आपसे पूछे कि डिस्टेंस काउंट करो और डिस्प्लेसमेंट काउंट करो मतलब विस्थापन भी और आपकी दूरी भी। तो पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की, ठीक है, और फिर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए अगर वस्तु एक चक्कर पूरा करती है ना तो देखिए यहां से चलेगी और यहां से आने के बाद पूरा वापिस आ जाएगी। तो जब कोई वस्तु एक बिंदु के चारों ओर घूमती है ना तो उसकी जो कुल दूरी होती है उसकी परिधि के बराबर होती है, मतलब कितनी होती है 2πr, ठीक है, यानी कि एक राउंड जब भी कोई वस्तु करेगी उसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2πr। लेकिन दो चक्कर किए हैं दो राउंड मारे हैं तो इसकी दूरी हो जाएगी कितनी 4πr, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी डिस्टेंस अगर कोई वस्तु इसमें दो राउंड लगाती है तो। लेकिन बात करते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट की यानी कि विस्थापन की, विस्थापन कितना होगा। तो देखिए अगर वस्तु ने यहां से चलना शुरू किया है और एक चक्कर पूरा कर दिया फिर वापस राउंड किया दो चक्कर पूरे कर दिए तो जब उसने दो चक्कर पूरे कर दिए ये वस्तु वापस से यहां पर आ जाएगी और इस स्थिति में आपके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों एक ही होंगे इसलिए इसका विस्थापन हो जाएगा जीरो, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन हम एक स्पेशल क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें देखिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। मान लीजिए देखिए
यह आपका एक सर्कल है और इसको हम थोड़ा सा समझ ही लेते हैं, कर ही लेते हैं। देखिए यह आपका एक मान लीजिए कि हम रेडियस मान लेते हैं कुछ भी, 5 मीटर की एक त्रिज्या वाला एक आपका एक पथ है जिसके चारों ओर एक बिंदु है, वो आपके मान लीजिए 2.5 मतलब 2.5 चक्कर इसने करे हैं, मतलब 2.5 राउंड 2.5 राउंड इसने इसके चारों ओर कर दिए। आपसे पूछा है कि इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मान ज्ञात कीजिए, तो देखिए फिर हम कैसे करेंगे, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट दोनों हम ज्ञात करेंगे कैसे। तो देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या होगी भाई, टोटल आपका राउंड, देखिए जब एक राउंड पूरा करता है, ठीक है मान लीजिए यहां से चलना शुरू किया, एक राउंड पूरा करा, कितना चलेगा 2πr, फिर वापस चलेगा, फिर कितना चलेगा 2πr, और फिर आधा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, देखिए पहले एक चक्कर पूरा करेगा 2πr कर देगा, फिर दूसरा चक्कर करेगा 2πr करेगा, और जब तीसरा चक्कर करेगा तो अब कितना करेगा, पाई आर ही करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, कितना करेगा पाई आर ही करेगा, ठीक है, यानी कि एक राउंड किया, दो राउंड किया और 2.5 राउंड करेगा तो पाई आर वो डिस्टेंस तय करेगा, यानी कि टोटल आपके हो गई 5πr, आपकी डिस्टेंस आ जाएगी 5πr, यानी कि 5 into आपका, देखिए पाई की वैल्यू पाई रख लेते हैं, आर की मैंने आपको दे रखी है 5, यानी कि आपके 25π, इतनी डिस्टेंस आपकी हो जाएगी डिस्टेंस। तो लेकिन अगर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए इसको आप थोड़ा अच्छे समझिए, देखिए 2.5 चक्कर करने हैं, मतलब 2.5 राउंड लगाने हैं, तो देखिए यहां से वो वस्तु चलने शुरू करेगी, एक राउंड लगा के आएगी इसी पॉइंट पर जाएगी, दूसरा राउंड जब शुरू करेगी दूसरे राउंड वापस यहां पर जाएगी, उसके बाद आधा राउंड यानी कि 1/2 राउंड और तय करेगी, तो यहां से चलने के बाद वो यहां पर आ जाएगी, बिल्कुल यहां पर। तो देखिए ये 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है, तो ध्यान रखना 5+5 यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 10 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो यह आपका था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बारे में, यहां से आपको इतने सारे चीजें हैं वो यहां पर सीखने को मिली हैं, और जो भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो आपको मैं करा दूंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। तो आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल इस प्रकार से करने हैं कि डिस्टेंस वाला अगर आपको दे दिया जाए तो डिस्टेंस क्या होती है कि आपके जिस पथ पर वो चली है उस पथ की टोटल लंबाई क्या है उसे हम बोलेंगे डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या है प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी है उसको हम बोलते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है चलिए अब हम देखते हैं आगे, यानी कि आपका जो आपका स्पीड और वेग होता है उनके बीच डिफरेंट देख लेते हैं, इसको आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। ठीक है चलिए ठीक है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट करना चाहते हैं नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्पीड एंड आपका जो वेलोसिटी है यानी कि आपका जो गति है और आपका वेग है उनमें देख लेते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों में क्या डिफरेंट होता है। तो देखिए स्पीड में एक तरफ लिख देता हूं ठीक है और दूसरी तरफ लिख देता हूं आपका वेलोसिटी। ठीक है वेलोसिटी एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि आपका जो डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट दोनों की जो यूनिट होती है वो आपके मीटर ही होती है, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों आपके एक प्रकार से दूरी होती है तो उनको मेजर करने के लिए मीटर होता है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना भूल गया था, इस तो देख लेना। ठीक है तो देखिए आपकी स्पीड होती है इसको हम बोलते हैं हिंदी में गति या फिर चाल। ठीक है और आपकी जो वेलोसिटी होती है इसको हम बोलते हैं आपका वेग। ठीक है ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो पहले हम देख लेते हैं कि स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। तो देखिए स्पीड क्या होती है कि आपकी जो स्पीड होती है वो होती है कि आपका जो गति होती है उसका मतलब है कि आपके जो वस्तु हो रही है उसमें आपकी जो डिस्टेंस होती है डिस्टेंस किस हिसाब से चेंज हो रही है मतलब आपके दूरी में परिवर्तन की दर उसे हम बोलते हैं गति व चाल। और इसको तो आपने मैथ्स में बहुत अच्छे तरीके से किया होगा कि एक इनका फेमस फॉर्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है ये आपने बहुत पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है यानी कि आपका स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है डिस्टेंस बटे टाइम ये आपका फेमस फॉर्मूला होता है जिसको आपने जो आपका जो टॉपिक आता है मैथ्स में उसमें आपने पढ़ाई होगा। ठीक है दूरी बटे समय इस आपका होता है यानी कि आपके दूरी किस हिसाब से तय की गई है यानी कि दूरी को तय करने की रेट होती है। ठीक है यानी कि दूरी आपके तय करते हैं किस दर से की गई है उसे हम बोलते हैं आपका चाल यानी कि दूरी तय करने में कितना समय लगा है उसे हम बोलते हैं चाल। अब देखिए ये आपको मेजर करने का तरीका होता है लेकिन आपकी जो वेलोसिटी होती है ना ये आपके सेम ऐसा ही होता है। ठीक है इसका मात्रक भी सेम होता है लेकिन डिफरेंट इतना सा होता है कि आपके कोई वस्तु होती है किसी निश्चित दिशा में। ठीक है कोई वस्तु होती है किसी निश्चित दिशा में कितने समय में कितनी दूरी तय कर रही है मतलब दूरी तो वो भी तय कर रही है लेकिन इसमें डायरेक्शन ऐड हो जाती है मतलब कोई वस्तु
आपके किस हिसाब से, किस दर से कोई निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है उसे हम बोलते हैं आपका वेग। और जो वेलोसिटी होती है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी बराबर होती है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बटे आपका टाइम, यानी कि विस्थापन आपका जो वेग होता है, वेग होता है आपका विस्थापन बटे समय, ठीक है, विस्थापन बटे समय, लेकिन वहां पर क्या था, दूरी बटे समय, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। दूसरा जो डिफरेंट है इनमें वो ये है कि आपकी जो स्पीड होती है वो आपके अदिश राशि होती है, मतलब आपका स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, लेकिन जो वेग होता है वो आपका होता है वेक्टर, यानी कि आपका सदिश राशि। तीसरा बात करते हैं इनके बारे में, दोनों का मात्रक आपका मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड ही होता है, ठीक है, दोनों का जो मात्रक होता है वो आपका मीटर प्रति सेकंड ही होता है। अब देखिए स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। देखिए अगर हम स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ ही रहे हैं तो आपको एक चीज और बता दूं कि आपकी कोई मोटर होती है, ऑटोमोबाइल्स होते हैं जैसे कि कार होती है, बस होती है, उसमें 2 मीटर लगे होते हैं, आपको ध्यान रखना है उसमें 2 मीटर लगे होते हैं, और उनके क्वेश्चन आपके रेलवे में बहुत सारे पूछे गए। देखिए 2 मीटर कौन कौन से होते हैं, एक जो मीटर होता है वो उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, ठीक है, स्पीडोमीटर एक होता है, ठीक है, पहला, और दूसरा होता है ओडोमीटर, ठीक है, ओडोमीटर, ये 2 मीटर उसमें लगे रहते हैं, और इनके ऊपर आपको कंफ्यूज होता है कि स्पीडोमीटर क्या होता है, ठीक है, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर, और दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं ओडोमीटर, ठीक है, ओडोमीटर, ठीक है। अब देखिए स्पीडोमीटर और ओडोमीटर क्या होते हैं, देखिए सीधी सी बात है, नाम से पता आपको पता लग रहा है कि ऐसा मीटर जो आपके गाड़ी में स्पीड को बताता है कि कौन सी किस स्पीड में आपकी कोई कार चल रही है, कोई बाइक चल रही है, तो उसे हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। लेकिन तहरी है यहां पर, देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर आपके जो स्पीडोमीटर होता है किस प्रकार की गति को मापता है। अब आप सोच रहे हो सर ये कैसा प्रश्न आप पूछ रहे हो, तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीडोमीटर होता है किसी भी कार की, किसी बाइक की, आपका किस प्रकार की गति को मापता है, जैसे मैं आपसे बोलूं तात्क्षणिक चाल या सामान्य चाल, औसत चाल, ठीक है, किस प्रकार की चाल को मापता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्पीडोमीटर होता है ना वो उसकी तात्क्षणिक चाल को मापता है। तात्क्षणिक चाल का मतलब क्या है कि इंस्टेंट आपकी जो स्पीड होती है, मतलब एक बोल सकते हैं कि निश्चित टाइम पे जो उसकी स्पीड होती है उसको बोलते हैं उसकी तात्क्षणिक चाल। जैसे हम आप देख रहे होंगे कि आपकी जो बाइक रहता है उसका जो मीटर होता है उसमें क्या होता है कि आपकी सुई है ना ऐसे ही घटती बढ़ती रहती है, मतलब क्या होता है कि उसे हम बोलते हैं तात्क्षणिक चाल, मतलब आपके जस्ट आप जस्ट जब आपने देखा उस समय कितनी स्पीड है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पीडोमीटर होता है ना वो हमेशा बाइक की तात्क्षणिक चाल यानी कि इंस्टेंट स्पीड को मापता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ओडोमीटर, तो ओडोमीटर क्या होता है किसी बाइक किसी भी कार के द्वारा टोटल डिस्टेंस जो कवर होती है उसको आपके ओडोमीटर मापता है। ये दोनों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनमें, ओडोमीटर के ऊपर और स्पीडोमीटर के ऊपर। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पीडोमीटर होता है वो बाइक की स्पीड या गाड़ी की स्पीड देखता है कितनी स्पीड बाइक चल रही है, और ओडोमीटर होता है वो आपके देखता है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की है। अब चलिए इसके बाद बात करते हैं यहां पर देखिए एक चीज के ऊपर कि औसत चाल क्या होती है, ठीक है, इसको आप अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं यहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके औसत गति पर ही आते हैं, ठीक है। अब औसत गति होती क्या है वो हम देखिए निकालेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं उसमें हर स्क्रिप्ट में एक दो क्वेश्चन आपके औसत यानी कि एवरेज स्पीड से या एवरेज आपके वेलोसिटी से आए हैं। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, ठीक है, एवरेज स्पीड, अब देखिए एवरेज स्पीड निकाल लो चाहे एवरेज वेलोसिटी निकाल लो बात एक ही है। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है कि भाई टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, यानी कि आपके कोई भी कार है कोई बाइक है उसने कुल कितनी दूरी तय की और टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम वो कितना था उसका जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। अब देखिए मान लीजिए कोई हम कार चला रहे हैं कोई बाइक चला रहे हैं तो हो सकता है कि जब हमने कार चलाया शुरुआत में इसकी स्पीड कम थी, ठीक है, जैसे हाईवे पे चढ़े उसकी स्पीड बढ़ गई, फिर कोई गली में हम घुसे तो वहां पर उबड़ खाबड़ का स्पीड कम करनी पड़ी, लेकिन एवरेज स्पीड का मतलब कि आपके औसत, ठीक है, मतलब आपके एक प्रकार से एक समान गति अगर उसके निकालें तो उससे हम बोलते हैं एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। एक एग्जाम्पल के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे मान लीजिए एक वस्तु है प्रथम 5 सेकंड में, पहले 5 सेकंड में उसने आपके जो दूरी तय की वो आपके की 40 मीटर, ठीक है,
पहले 5 सेकंड में उसने दूरी तय करी है 40 मीटर, अगले 4 सेकंड में उसने जो दूरी तय करी है वो आपके की है कितनी, 60 मीटर। ठीक है, एक आपकी कोई कार है, उसने शुरुआत के 5 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय की, अगले 4 सेकंड में उसने 60 मीटर की दूरी तय की। आपसे पूछा है बताइए उसकी जो एवरेज स्पीड है, इसको 50 मान लेते हैं, ठीक है, तो 50 मान लेते हैं, तो देखिए इससे पूछा है कि बताइए उसकी औसत चाल कितनी है, तो औसत चाल निकालेंगे, एवरेज स्पीड, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है, 40 प्लस 50 कितनी होगी, 90 बटे टोटल टाइम 4 प्लस 5 यानी कि 9, यानी कि जो उसकी एवरेज स्पीड हो गई वो आपकी होगी 10 मीटर प्रति सेकंड। ये आपको ध्यान रखना है, औसत चाल और औसत स्पीड इस प्रकार से हम निकालते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो आपकी स्पीड होती है चाहे आपकी वेलोसिटी होती है, दोनों की अगर हम बात करें तो इनका जो नॉर्मल मात्रक होता है ना वो आपका, देखिए दो प्रकार से मीजर कर सकते हैं, एक तो मीटर प्रति सेकंड से मीजर कर सकते हैं, एक होता है किलोमीटर प्रति हावर्स। तो कई बार आपको ये भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि कई बार स्पीड होती है वो किलोमीटर प्रति घंटे में होती है, कई बार मीटर प्रति सेकंड में होती है, तो हम कैसे एक दूसरे को इनमें कन्वर्ट करें देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, अगर उसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हैं तो ध्यान रखना है हमेशा उसको 5/18 से गुणा करना है। मान लीजिए आपको दिया कि 72 किलोमीटर प्रति हावर ये आपको स्पीड दी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आपको दे रखी है, इसको आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करना है 72 को गुणा कर देना है 5/18 से, किससे करना है 5/18 से, 18 से कटेगा 4 और 5 हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से हम इसको क्रॉस आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको स्पीड दे रखी है किसके अंदर, मीटर प्रति सेकंड के अंदर, और अगर आपसे पूछ ले कि इसको आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको देखिए 25 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है और आपसे पूछे कि इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या करना है आपको उल्टा कर देना, मतलब 18/5 से क्या करना है, गुणा करना है 18/5 से, तो 5 को इससे काटते हैं यह आ जाएगा 5, ठीक है, और 18/5 क्या हो जाएगा 90, तो 90 किलोमीटर प्रति हावर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आपको स्पीड दी गई है उसको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में आपके बदल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर स्पीड आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 से गुणा कर देते हैं, और अगर स्पीड आपको मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है आपको कैलकुलेट करनी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18/5 से आपके गुणा कर देते हैं। तो गाइज ये था आपका स्पीड एंड वेलोसिटी, मतलब चाल क्या होती है और वेग क्या होती है, और एक चीज आपको ध्यान रखना है, स्पीड होती है वो आपके अदिश राशि होती है और आपकी जो वेलोसिटी होती है आपके सदिश राशि होती है, ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं त्वरण क्या होता है, ठीक है, त्वरण क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे त्वरण, आवेग, संवेग, ठीक है, इन तीनों के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। आवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, संवेग के बारे में तो हालांकि मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था, लेकिन त्वरण क्या होता है, देखिए अब देखिए त्वरण क्या होता है, मतलब एक्सलरेशन होता क्या है, देखिए त्वरण यानी कि एक्सलरेशन, ठीक है, एक्सलरेशन, ठीक है, अब देखिए त्वरण क्या होता है, एक्सलरेशन क्या होता है, तो देखिए त्वरण का मतलब होता है कि वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि किसी वस्तु का वेग हो रहा है वो किस स्पीड से चेंज हो रहा है, किस दर से चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है, उसे हम बोलते हैं त्वरण। तो देखिए त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, इसकी परिभाषा होती है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर जो होती है उसे हम बोलते हैं क्या, त्वरण यानी कि एक्सलरेशन, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन आपका वेलोसिटी, या आपका कहलाता है त्वरण। अब देखिए त्वरण निकालते कैसे हैं, त्वरण निकालने का फॉर्मूला होता है कि a बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टाइम, यानी कि a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टाइम। अब इसका मात्रक अगर बात करते हैं तो देखिए u और v का मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और टाइम का होता है सेकंड, इसलिए इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। त्वरण होता है वो आपका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट। अब देखिए त्वरण होता है ना वो आपका दो प्रकार का होता है, ये आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव त्वरण और नेगेटिव त्वरण। देखिए पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, देखिए
पॉजिटिव का मतलब होता है कि आपका जो अंतिम वेग है उसका मान ज्यादा है जबकि प्रारंभिक वेग का मान कम है। मान लीजिए ये आपकी टाइम है, ठीक है, ये आपकी टाइम है और ये आपकी स्पीड है, इसके बीच ग्राफ ऐसे है, मतलब स्पीड हो रही है वो टाइम के साथ बढ़ रही है। तो देखिए होगा क्या कि आपका जो ग्राफ है ना वो इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि वस्तु है वो शुरुआत में उसका वेग क्या है कम है लेकिन अंत में वेग क्या है ज्यादा हो गया। तो सीधी सी बात है एक की जो वैल्यू आएगी हमेशा आएगी पॉजिटिव, क्या आएगी पॉजिटिव। तो इस प्रकार के त्वरण को बोलते हैं आपका धनात्मक त्वरण यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन मान लीजिए आपका जो वस्तु था उसका वेग है वो आपके टाइम बढ़ने के साथ साथ घट रहा है, मतलब आपका u का मान तो क्या है ज्यादा है। मान लीजिए u का मान था आपका 10 मीटर प्रति सेकंड लेकिन v का मान हो गया आपका 5 मीटर प्रति सेकंड। सीधी सी बात है टाइम मान लेते हैं 2 सेकंड, तो देखिए a आ जाएगा आपका 5 - 10/2, तो सीधी सी बात है -5/2 यानी कि आपका -2.5। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आई वो नेगेटिव में आई है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव वैल्यू आई है ना इसे हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया था कि डी एक्सेलरेशन होता है, इसको हिंदी में मंदक बल भी बोलते हैं, ध्यान रखना है मंदन, ठीक है, मंदन भी बोलते हैं इसको मंदन, ठीक है, यानी कि डी एक्सेलरेशन। तो मंदन जो होता है ना उसकी यूनिट पूछी गई थी, तो ध्यान रखना है कि मंदन हो चाहे त्वरण हो दोनों बात एक ही है, लेकिन जो नेगेटिव आपका एक्सेलरेशन होता है उसको आपके मंदन बोलते हैं। मंदन का मतलब एक प्रकार से बोलते हैं जैसे स्पीड आपके कोई कार चल रही है, बस चल रही है, स्पीड में उसके ऊपर ब्रेक लगाते हैं तो जो बल आपके स्पीड को कम करता है ना उसे हम बोलते हैं मंदन, इसको डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना है कि डी एक्सेलरेशन होता है उसकी यूनिट भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है और एक्सेलरेशन होता है उसकी यूनिट भी आपकी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है। तो ये था आपका एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है, आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। बाकी इसके बाद देखते हैं संवेग क्या होता है और आवेग क्या होता है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, एक बात बताना आपको भूल गया कि यहाँ पर देखिए अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि यहाँ पर देखिए स्पीड नहीं है वेलोसिटी आएगा, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे एक चीज़ पूछ ले कि आपका वेलोसिटी और टाइम के बीच जो ग्राफ होता है यानी कि आपका टाइम के साथ वेग कैसे कैसे बदल रहा है तो उस ग्राफ को हम बोलते हैं क्या एक्सेलरेशन। ये आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका देखिए अगर इसको ग्राफ को मैं और बेहतर तरीके से बना दूं, मान लीजिए आपको टाइम दिया है, ठीक है, और मान लीजिए आपका वेग दे रखा है, कैसे वेग था वो घटा बढ़ा है ना, ये आपको चेंजेस हो रहा है, ये आपका क्या है वेलोसिटी यानी कि आपका वेग है, ठीक है, और ये आपका टाइम दिया है। तो टाइम के सापेक्ष जो वेलोसिटी का जो आपका ग्राफ होता है ना वो आपके हमेशा एक्सेलरेशन को प्रदर्शित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और आपको बता दूं कि जब किसी वस्तु को मुक्त अवस्था से यानी कि फ्री एक तरह से गिराया जाता है, फ्री फायर बोलते हैं ना, एक तरह से फ्री रूप से गिराया जाता है, मतलब ऊपर से फ्री अगर गिराएंगे उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तो ध्यान रखना उसका जो एक्सेलरेशन होता है ना एक्सेलरेशन वो हमेशा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्यों होता है क्योंकि सीधी सी बात उसका कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो जब किसी वस्तु पर ग्रेविटी नहीं लग रही है वो मुक्त अवस्था में गिर रहा है तो उस पर जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू आपके कांस्टेंट रहती है, मतलब चेंज नहीं होती, सेम होती है। अब चलिए लास्ट हम देख लेते हैं आवेग और संवेग, ये दो क्या चीज होती है, ठीक है, आवेग और संवेग क्या होते हैं। तो देखिए यानी कि आपका मोमेंटम और बात कर लेते हैं संवेग और आवेग के बारे में, यानी कि आपका मोमेंटम और इंपल्स दोनों क्या चीज होती है, इनमें क्या डिफरेंट होता है, इनकी यूनिट क्या होती है। तो देखिए पहले हम बात करते हैं संवेग क्या होता है। तो देखिए संवेग क्या होता है ये हम पहले आपको बता चुके हैं कि पी बराबर एम वी, यानी कि आपके किसी भी ऑब्जेक्ट है उसका जो आपका मास है और उसका जो वेग है उसके आपके गुणनफल को बोलते हैं उसका संवेग, p बराबर होता है mv यानी कि m गुणा v। यहां पर m क्या है मास यानी कि उसका द्रव्यमान और v क्या है वेलोसिटी यानी उसका वेग। अब देखिए अगर बात करते हैं संवेग के आपके मात्रक की तो संवेग का जो मात्रक होता है वो देखिए अब इससे निकालेंगे p बराबर mv, m क्या होता है द्रव्यमान, इसका मात्रक होता है किलोग्राम और v होता है आपका वेग यानी कि मीटर प्रति सेकंड इसका होता है, तो आपका संवेग का जो मात्रक हो जाएगा वो आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो आपको ध्यान रखना है ये आपका होता है संवेग और संवेग में परिवर्तन, आपको एक चीज़ को ध्यान रखनी है संवेग जो होता है आपका वो होता है पी बराबर एम वी और संवेग में परिवर्तन होना ही आपका कहलाता है आवेग, मतलब संवेग कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी कि संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है ना उसे हम बोलते हैं आवेग। अब देखिए आवेग कैसे निकालते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है जो आपके पहले जो उसका वेग था वो u था, ठीक है, उसका जो इनिशियल वेग है यानी कि प्रारंभिक वेग जिसको बोलते हैं वो आपका u है और अंतिम वेग यानी कि लास्ट उसका जो वेलोसिटी है लास्ट स्पीड या लास्ट वेलोसिटी अंतिम वेग वो आपका v है। तो हुआ क्या उसका जो आपका संवेग क्या होगा कि पहले आपका हो जाएगा एम वी माइनस एम यू, ये जो परिवर्तन हुआ
MV-MU, इसे हम बोलते हैं आवेग, और इसको हम कैपिटल J से प्रदर्शित करते हैं या IMP से भी प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए कैसे इसको निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए वो आपको बताता हूं। देखिए तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसे निकालना है, देखिए आपका आवेग का यानी कि इंपल्स का, तो देखिए आवेग जो होता है ना आपका, देखिए हम जानते हैं कि F बराबर होता है MA, या आप जानते हैं न्यूटन गति के सेकंड नियम से। अब देखिए F बराबर M आपका फिक्स है, A क्या होता है, A होता है आपका त्वरण यानी कि वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि V-U/T यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभ वेग बटे टाइम, ठीक है। अब देखिए अगर इसको हम t है इसको इधर लेके आते हैं तो f इंटू टी हो जाएगा और बराबर हो जाएगा एम वी माइनस यू, और यही तो आपको बताया था कि एम वी माइनस यू होता है, मतलब संवेग में चेंज होना, संवेग में परिवर्तन होना, यही आपका कहलाता है आवेग, इसलिए एम वी माइनस यू किसके बराबर हो जाएगा, एफ इंटू टी। तो जे बराबर लिख देता हूं एफ इंटू टी, यानी कि आपका जो आपका आवेग होता है वो हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि बल यानी कि फोर्स और आपका टाइम, बल इंटू समय इसके गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि फोर्स इंटू टाइम, ठीक है, इसके गुणनफल के बराबर होता है। अगर इसके यूनिट की बात करते हैं तो देखिए बल होता है इसका मात्रक होता है न्यूटन और समय का होता है सेकंड, तो ध्यान रखना न्यूटन इंटू सेकंड, ठीक है, न्यूटन इंटू सेकंड होता है वो इसका मात्रक होता है संवेग का, ये आपको ध्यान रखना है। और संवेग में संरक्षण है उसकी बात कर लेते हैं, रेखीय संवेग, देखिए संवेग और रेखीय संवेग एक ही बात होती है, कंफ्यूजन नहीं होना है ना, ये रेखीय संवेग ही होता है, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं इसके संरक्षण की, कि रेखीय संवेग का संरक्षण कैसे होता है। तो देखिए मान लीजिए आपकी कोई वस्तु है, मान लीजिए उसका द्रव्यमान है m1 और वो उसका वेग है u1, मान लीजिए ये किसी दूसरी वस्तु, इसका वेग आपका जो द्रव्यमान है वो m2 है और जिसका वेग है v2, अगर इससे टक्कर करती है ना तो टक्कर करने के बाद उनका जो संवेग हो जाएगा वो m1v1+m2v2 इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब ये आपका कहलाता है कंजर्वेशन और आपका संवेग, यानी कि संवेग में आपका चेंज होता है वो आपके टक्कर से पहले और टक्कर के बाद वो आपका नियत रहता है, मतलब चेंज नहीं होता, ये आपका कहलाता है संवेग, संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। तो आज हमने देखे हैं संवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, दूरी देखी है, विस्थापन देखा है, और आपका आपका इसके बाद हमने देखा गति क्या होती है और आपका वेग क्या होता है, और इसके बाद हमने त्वरण देखा है। तो आज हमने जो फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी चीज़ें, उनके बारे में हमने परिभाषा देखी है, उनकी थोड़ी सी थ्योरी देखी है। तो कल इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके रेलवे भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं ना, आपके आवेग संबंधित, संवेग संबंधित, आपके गति संबंधित, औसत चाल संबंधित, ठीक है, आपका वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, त्वरण कितने प्रकार का होता है, इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं उनको हम करेंगे आगे यानी कल के वीडियो में। तो गाइस आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही मेहनत लगेगा इस वीडियो बनाने में, और आपके सामने जो वीडियोस हैं वह आपके रेगुलर आ रहे हैं, और पीडीएफ के लिए आपको बता दूं पीडीएफ आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी, इस समय फिजिक्स खत्म होगी, फिजिक्स खत्म होती है फिजिक्स जो आपकी जो पीडीएफ है आपको अवेलेबल कर दी जाएगी, उसके लिए आप स्टे ट्यून कीजिएगा, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें जो भी आपके रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।